सालों के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। बहुत अच्छा होता है कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते हैं, आगे जाने की बढ़ने की बजाय वो पीछे चला गया। इक्तिसादी लिहाज से इस्तराब वाले हालात परेशान कुन है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। दुख की बात है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। इंतखाबात से मुतालिक वही तरजीह है जो इलेक्शन कमीशन की है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा बेहतर होता हालात 2017 के मुकाबले में अच्छे होते। मुल्क में इस्तराब की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, सोचना चाहिए नौबत यहाँ तक क्यों आई। उम्मीद की किरण है, हम इस काबिल हैं कि हालात दुरुस्त कर सकें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का 4 साल बाद वतन वापसी का सफर, चार्टर्ड तैयारा कुछ देर में दुबई से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगा। शहर इक्तदार में 2 घंटे क़याम के बाद उम्मीदें पाकिस्तान फ्लाइट लाहौर के लिए रवाना होगी। कारकुन और सहाफी भी लेगी कायद के साथ। नवाज शरीफ के लिए शाही किले में हेलीपैड तैयार, जलसे की सिक्योरिटी के लिए 10,000 अहलकार तैनात, 400 से ज्यादा कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी, 11,000 गाड़ियां लाहौर में दाखिल होने का इम्कान है। बंद रोड और रिंग रोड पर पार्किंग पॉइंट्स बना दिए गए। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, रावलपिंडी से बड़ा काफिला लाहौर पहुंच गया। फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरात और गुजरावाला में कारकुन तैयार, कराची समेत दीगर शहरों से भी काफिले रवा दवा। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं वक्त और हालात बदल गए, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, अवाम की मुश्किलात का मदावा नवाज शरीफ की तकरीर का बुनियादी नुक्ता होगा। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। पीटीआई चेयरमैन को हमेशा इदारों से बनाकर रखने का मशवरा दिया, उनके रुफका का ख्याल था कि फौज के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं जो मदद करेंगे। सरबरा तहरीक इंसाफ जिद्दी सियासतदान है, उन्होंने मुझे 2 बार मुजाकिरात से रोका। शेख रशीद का मंजर आम पर आने के बाद समा को पहला इंटरव्यू, जलाओ घेराव के मुलजिमों के लिए मुआफी की अपील। और बड़े हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित, वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के 368 रन के ताकुब में शाहीन 305 पर ही हिम्मत हार गए। वार्नर का कैच छोड़ना महंगा पड़ा, मिडिल ऑर्डर भी नाकाम रहा, बाबर आजम का एतराफ। पॉइंट्स टेबल पर कौमी टीम 5वें नंबर पर चली गई।